नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। आज हम आए हैं एक खास शख्सियत के पास और एक गंभीर चर्चा करने के लिए, एक ऐसी शख्सियत जो पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं विंग कमांडर प्रफुल बख्शी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया। थैंक यू, शुक्रिया वेरी मच। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि चाइना का जो प्रस्तावित बांध है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, ये भारत के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, आप जैसे कि चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना जो है अपने रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन्स में 14 डैम तो ब्रह्मपुत्र पे ही बना दिए हैं, जिसको कि वहाँ पे उसका नाम है, तिब्बत के अंदर है ज़ैंगबो, यारलोंग ज़ैंगबो उसका ब्रह्मपुत्र का नाम है। और ये डैम्स के ऊपर डैम्स बना रहा है, और ख़ासकर एंड में जो है, जो कि जो रीजन है अरुणाचल के पास में, वहाँ पे जो डैम है वो 30-40 किलोमीटर दूर डैम बना रहा है। अब ये जो डैम बना रहा है, ये वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बना रहा है कहता है वो, और अपना खेती के लिए, वाटर सप्लाई के लिए करा रहा है। बेसिकली उसका जो रीज़न है, वहाँ पे 2000 मीटर ड्रॉप आता है पूरे एरिया में वहाँ नीचे तक, तो उसका इनिशियल तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में तो 80 किलोवाट पर आर के हिसाब से वो पैदा करता है, और नीचे एज वो नीचे आता है तो 50 किलोवाट अपर आर की के हिसाब से उसकी इलेक्ट्रिसिटी की पैदाइश होती, क्योंकि ड्रॉप इतना है, जो पोटेंशियल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, तो इसीलिए वो इसका फ़ायदा उठा रहा है। तो चाइना जो है इसको लेकर जब पानी रोक रहा है, तो लोअर रिपेरियन स्टेट जो कि इंडिया और बांग्लादेश है, उन पर असर पड़ेगा, और असर पड़ेगा हमारा सोशो इकोनॉमिक असर पड़ेगा, हमारे लोगों की खेती, लोगों की रोज़मर्रा जो बोट से जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फिशरी, सब पे असर पड़ेगा। तो इसलिए हमको भी डैम बनाना पड़ रहा है, और हमारे भी डैम की प्रोजेक्ट है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ज़रूरी बना हमारे लिए हो गई है, तो महंगा भी पड़ेगा। पर एक बात आप याद रखें, इसका और भी मिलिट्री फायदे भी होते हैं और इकोनॉमिक फायदे होते हैं। जी, वही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने लोकल के हिसाब से समझ लिया कि कितनी परेशानी जो है वो फार्मर्स को होगी और तमाम लोगों को वहाँ पर, जो लोकल लोग हैं उनको होगी, लेकिन मिलिट्री के लिहाज से हम आपसे बेहतर समझना चाहेंगे कि मिलिट्री के लिहाज से कितना घातक हो सकता है, हमें इस पर, हमारी मिलिट्री के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उन लोगों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो इस पूरे रीजन से 2000 किलोवाट के हिसाब से ये तो बिजली जो पैदा करेगा, ये सबसे ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलेगा, उससे उसका इंडस्ट्रियल जो वहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज डेवलप करेगा वो है उसका अगला 50 साल का प्रोग्राम तो फिट है। अब आप बात कर रहे हो मिलिट्री की, अब मिलिट्री की बात जब आती, जब एक हायर एरिया के ऊपर एनिमी जब डैम बना देता है, जहाँ पे ग्रेविटी ड्रॉप्स फोर्स करता है वाटर को ड्रॉप करने के, तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ एक जिनीवा कन्वेंशन में एक टर्म है जिसको कहते हैं डेंजरस फोर्स। डेंजरस फोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसी फोर्स दुश्मन के हाथ में है जिसको उसने रिलीज़ किया, तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं घातक होगी आपके लिए कि आपकी सिविलियन, जनता, फौज सब धुल जाएगी। जैसे कि एक डैम को आप तोड़िए, यही डैम का अगर पानी रिलीज अगर चाइना ने किया तो लोअर जो एरिया है वो सारा धुल जाएगा, मतलब भारत का एरिया, और फिर जो अगर फोर्स इतना ज़्यादा हुआ तो डैम्स पर असर पड़ सकता है। देखिए, ये किस्सा स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, डैम बस्टर्स की स्टोरी अगर आपने सुनी हो, कि जर्मनी के रूर एरिया वैली में जो पावर प्लांट्स थे डैम्स के कारण जो बनाए हुए थे, उन डैम को तोड़ने की बात जो एलाइड फोर्सेस देखी थी, 3 डैम तोड़े थे, और इस कदर जो नुकसान हुआ था सिविलियंस का। इसमें ये पूछना बेहद अहम हो जाता है कि अगर हम सरकार की बात ना करें, सिर्फ मिलिट्री की बात करें, तो क्या कुछ अभी जो मिलिट्री वहाँ पर तैनात है, क्या वो पर्याप्त है, या ज़रूरत है और मिलिट्री आने की, क्योंकि ये जिस तरीके से डेवलपमेंट होंगी, चीज़ें बदलेंगी, तो इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए, ऐसा है, आपको देखते देखते
बात करते करते जब खुलासे होने शुरू हुए तो आपको पता चलने लगा कि चाइना की इतनी ज़्यादा उनकी तो पकड़ है इस एरिया के ऊपर, हैं, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, चाहे एयर फील्ड हो, चाहे रडार स्टेशन हो, चाहे मिसाइल बेसिस हो, चाहे सप्लाई डेपोज हो, रेलवे यार्ड्स हो, जो चीज़ देख लीजिए वो इसलिए है कि उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मिलिट्री कर ली है। आपने क्या किया, आपने पानागढ़ में स्ट्राइक कोर बना रहे थे, वो भी आपने पूरी नहीं करी, पानागढ़ में स्ट्राइक कोर इसलिए नहीं करी कि अब जो भी है आपकी जो भी कमी रह गई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन ये है कि हमारे को इसको जिसको कहते हैं बहुत ही ठोस कदम हमको उठाने चाहिए थे, हमने नहीं उठाए, अब उठाने शुरू कर दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है हमने अब शुरू कर दिए हैं, ये हम कितनी जोर लगाएंगे उसके लिए अब आपको देखना पड़ेगा। अब आपके जो क्वेश्चंस अब सब मीडिया में आ रहे हैं, सब हो रहे हैं कि क्या हमारी तैयारी कंप्लीट है कि नहीं है। देखिए चाइना ने जितनी तैयारी कर ली है, आपके देखते देखे अप्रैल में स्टार्ट किया, 3 डिविजन्स तो ले आया वो गलवान में आपके नज़रों के सामने। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं कि अब आप देख रहे हो पर आपकी पॉलिसीज इतनी डिफिकल्ट हैं, आपके प्रोसीजर्स इतने डिफिकल्ट है कि एक मिनिस्ट्री के बाद जाएगी, अच्छा होम मिनिस्ट्री के बाद जाएगी, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद जाएगी, जी हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो हमारा कार्यशैली ये है, हम तो इस कार्य से काम, आप अपने कार्यक्रम ही देखते रहिए, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स देखते रहिए, वो आपके घर में घुसता जा रहा है। तो आपको अपनी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स में चेंज लाना पड़ेगा, मिलिट्री प्रोसीजर में चेंज लाना पड़ेगा, आपको एक्चुअली भारत के हित में देखना होगा, यानी कि पॉलिटिकल हित में देखना होगा। ये भारत के हित में देखना और पॉलिटिकल हित में देखना दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये हमारे को बड़ी ज़रूरी है, इसका अभाव हो रहा है हमको कि हम पॉलिटिकल हित में नहीं, भारत के हित में नहीं देख रहे, इस समय हम अपनी पॉलिसीज जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं उसको पूरी कर रहे हैं, मिलिट्री पॉलिसीज हम ढंग से नहीं बना रहे, नहीं बनी हैं, उसको हमें सुधारना होगा, तरीके सुधारने होंगे, प्रोसीजर सुधारने होंगे और हमको अब ठोस कदम उठाने होंगे। काम मामला शुरू हो गया है, इस गवर्नमेंट ने कर दिया है, हमें ये जान के बहुत खुशी है। सर क्योंकि इंडिया की हमेशा से पीस वाली एक पॉलिसी रही है कि हम पहले कदम नहीं उठाएंगे, हम पहले से अटैक नहीं करेंगे या पहले से चीज़ें नहीं करेंगे, तो ऐसे पे आपको क्या लगता है कि ऐसे में क्या चाइना इस लायक है कि हम इस पॉलिसी को अपना के रखें? देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं आपकी ये जो है ना, ये जो आपका माइंड में जो है उसको क्लियर कर दूं, ये आपका ये मिथ है, मिथ्या है कि हम पीस लविंग, कब थे? ये तो मुगलों ने आया कि हमें धक्के मारे और अंग्रेज़ों ने धक्के मारे तो हमको गुलाम बना दिया तो हमें पीस नज़र आने लगी। उससे पहले आप कौन था? सारे के सारे राजा एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था कि आपने अपना घोड़ा छोड़ दिया, जहाँ घोड़ा गया वो एरिया आपका है, लड़ना हिम्मत है तो लड़ लो, ये आपकी नीति थी। भगवान रामचंद्र ने भी लवकुश से लड़ाई करी थी, कनिष्का ने चाइना पे कब्जा किया हुआ था, आपको भी नहीं पता, किसकी हिस्ट्री में नहीं किसी को पता, आपकी राजधानी मथुरा और लाहौर में थी कनिष्का की। ये हम कभी पीस लविंग नहीं थे, हम एक्सपेंशनिस्ट थे और हमको ये बोलने में गर्व होना चाहिए, ना कि हम कहें देखिए हम पहले हमला नहीं करेंगे, जब हमला होगा तो उचित कार्रवाई करेंगे। ये डरपोक आदमी के मन से निकली भाषा होती है, ये डरपोक जबान होती है, हम क्यों पहले हमला नहीं करेंगे, जब आप पे हमला हो रहा है आप उस एक हफ्ता पहले हमला करेंगे। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमज़ोर को दबाएंगे, पर जब आपके ऊपर हमला होने वाला है आप उसको जड़ से निकाल देंगे जैसे चाणक्य ने बोला था, और मट्ठा डाल देंगे उसके जड़ में, ये नीति होनी चाहिए। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए हम ऐसे क्यों नहीं हैं? पर्याप्त आर्म्स हैं हमारे पास, हमारी मिलिट्री के पास? अब आप पूछ रही हैं हम ऐसे क्यों नहीं है, पर्याप्त आर्म्स नहीं है, इसीलिए तो चाइना पहुंच गया है आपके बॉर्डर के ऊपर, तो आपके डिफेंस मिनिस्टर भागे जा रहे हैं, 12 MiG-29 Sukhoi-30 रफेल और 5 रफेल आ गए हैं, ये क्यों? अगर वो ना किया होता तो आपको ये नहीं देखते होते। आपकी जो मिलिट्री प्रिपेरेडनेस है अब उठना शुरू हुई है, हाँ इस सेक्टर में लड़ाई के लिए पर्याप्त है। मैं इस सेक्टर क्यों कह रहा हूँ, ये कोई दिल खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाइना की जो दुश्मनी है 15 देशों से, वहाँ आपकी फौजें लगी हुई हैं, ये सिचुएशन हमारे लाभदायक है, ये सिचुएशन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, इसलिए जो हमारे पास फोर्सेज हैं तैनात हैं, और वो एरिया ऐसा है इसमें आप ज़्यादा नहीं ला सकते, ये एरिया ऐसा है जब लड़ाई होती है तो एरिया टेरेन देखी जाती है, आपका टैंक जा सकता है कि नहीं, आपका एयरक्राफ्ट जा सकता है नहीं, हमारी एयरफोर्स वहाँ बड़ी तगड़ी है,
ए हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो उनसे कम नहीं है, दूसरा हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग और जो है वो इस वैलीज में है, हमने सब ट्रेनिंग की है 25,000-26,000 के अंदर डाइव करके टारगेट पे अटैक करने की, चाइना में ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं, उनका जवान 18,000-21,000 पे कभी गया ही नहीं, उसने कभी ट्रोलिंग ही नहीं करी। यहाँ हमें फ़ायदा है, इसका हम जल्दी से जल्दी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था, बल्कि हमारी पॉलिटिकल लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी कि मौका मिल गया है अब लोहा गरा में, हमें अब हमला करना चाहिए, ये हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए थी, पर हम कहते नहीं पहले हमला वो करेंगे तब फिर हमला। सी ये जो हमारी अब भाषा चेंज हो रही है, जो हमारा प्रेजेंट रिजीम है अब उन्होंने चेंज कर दिया, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पहले होती थी अब नहीं हो रही, ये बहुत अच्छी चीज़ है और अब हमको जागरूकता आ रही है, तभी फौज को भी पता चल रहा है, तैयारी हो रही है, पर थोड़ा हम पीछे रह गए हैं ये भी पक्का है, कैचअप कर रहे हैं ये भी पक्का है। जी, यानी गलवान में जो कुछ हुआ उसके बाद हमारी आपको जागरूकता आई है, अगर गलवान देखिए अब आपने क्वेश्चन छेड़ दिया, आपने मक्खी के छत्ते पे हाथ दे दिया, तो आपको बता देता हूँ 1962 में चाइना ने हमला ना किया होता तो आप सोते रह जाते, और 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया था वो दिल्ली में बैठे होते, उन्होंने कहा था कि हम ब्रेकफास्ट अमृतसर में करेंगे और छोले भटूरे दिल्ली में खाएंगे दोपहर को, और ये कहा था वो नहीं हो पाया, क्यों कि 1962 में जब हमला हुआ तो आपको लगा झटका, उस झटके ने आपको जो नींद खोली तो आप बच गए 1965 में, और फिर आपने तैयारी की, और 1965 के बाद जब 1971 में लड़ाई 6-7 बाद हुई तो आपने पाकिस्तान के दो भाग कर दिए, वो इसलिए किए क्योंकि 1962 की लड़ाई हुई थी, अगर 1962 की लड़ाई ना होती तो बांग्लादेश ना होता, ये मैं बता रहा हूँ इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या है, आज 1962 की लड़ाई ना होती बांग्लादेश नाम की कोई चीज़ ना होती, तो ये आप मान के चलिए कि चाइना ने हम पे बड़ा फेवर किया, और दूसरा फेवर ये किया एक गलवान घाटी का कर दिया, हम जाग गए, आज गलवान घाटी ना हुई होती तो आपको नींद में होते अभी तक, आप कुछ और ये इलेक्शन बाय इलेक्शन किसान रैली ये वो ये इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे होते, उलझे रहते और चीज़ें जो हैं वो सर के ऊपर आ जाती। बिल्कुल। सर एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये पूरा गलवान घाटी हुई और उसके बाद जैसा आपने बताया कि अब हम जागें और ये डैम और तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, साथ में एक और चीज़ सामने आई है अभी हाल ही में, दो दिनों में ही पिछले, कि 15 दिन का स्टॉक रखने की बात कही है आर्म्स की, तो इसको आप कैसे लेते हैं, क्योंकि पहले 10 दिन का स्टॉक रखने की बात कही थी अब 15 दिन की कही है, तो क्या देखिए ये किसने कहा मुझे नहीं कुछ पता, ये मीडिया कह रही है, मेरे को तो हंसी आ रही है, 15 दिन का स्टॉक का मतलब क्या है, कुछ चाइना आएगा आपको बता के मैं 15 दिन के लिए लड़ाई करने आ रहा हूँ, आप भूल जाइए, और ये तो मैं तो कहता इसके ऊपर तो टिप्पणी ही नहीं करनी चाहिए कि 15 दिन का स्टॉक है, नहीं वो दूसरी बात है, किसी ने कह दिया होगा कि हाँ जो लड़ाई होगी वो 15 दिन की घमासान होगी, ये हो सकता है, उसके बाद इंडिया अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेगा, ये हो सकता है, पर हमें 15 दिन का स्टॉक रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या 15 दिन क्या होता है, दो हफ्ते के बाद क्या करेंगे आप, वैसे ही आप कुछ नहीं बना रहे, आप तो एक राइफल नहीं बना रहे, आप टैंक नहीं बना रहे, हवाई जहाज नहीं बना रहे, उसका एम्यूनिशन नहीं बना रहे, रडार नहीं बना रहे, तो सब मतलब है आप अब तक शरीर अपनी खरीदारी गई है, जैसे जाती हैं वाइफ बाजार में, हाँ जी 15 दिन का अब दिवाली होली अब क्या आ रहा है तो सामान रख लो, ये नहीं मामला ऐसा है, हमारे को इस बात के ऊपर जिक्र भी नहीं करना चाहिए मीडिया के ऊपर, सीधी सी बात है, हमारे को तैयारी पूरी करनी चाहिए, 15 दिन का स्टॉक वॉक का मतलब क्या होता है ये मैं मानता नहीं हूँ, हमको स्टॉक हमारा इतना होना चाहिए कि 1.5-2 साल की लड़ाई हो तो हमारे को कोई कमी ना हो अभाव ना हो, और लड़ाई कोई 15 दिन की नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ अभी तो गोलाबारी नहीं हुई, आपके घर में तो अप्रैल से बैठा हुआ है, वो तो पता चला है, वो तो पहले ही घुसना शुरू कर दिया था, कितने लगे 7 महीने तो निकल गए, क्या बात कर रहे हैं 15 दिन की, और अगर लड़ाई शुरू हो जाती तो क्या बंद हो जाती, तो ये मैं कोई इस बात को तो मैं टिप्पणी ही नहीं करना चाहता, ये 15 दिन और ये कोई बात है, आपको एम्यूनिशन होना चाहिए पूरा, इतना होना चाहिए कि अगर 1.5 साल भी लड़ाई चले तो आपको अभाव नहीं होना चाहिए। सर शुरू से लेकर अब तक आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज से अगर मैं कहूँ तो अब तक अभी भी आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, मिलिट्री आर्मी सब चीज़ें आप देख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हम सरकार की बात करें तो बीजेपी भी रही कांग्रेस भी रही, किस सरकार की तरफ से जो है वो ज़्यादा फ्री हैंड मिला मिलिट्री को अपने तरीके से जो है वो जवाब देने का जवाबी कार्रवाई करने का? ऐसा है ये तो बिल्कुल दीवार पर लिखा हुआ है कि ये जो हमने प्रोग्रेस दिखाई है सरकार ने ये तो कभी नहीं हुई,
ये तो मैं मान के चलता हूँ, इसके लिए तो मैं सराहना करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं देशभक्त हूँ तो मेरे को एक्चुअली इनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपने अपनी मातृभूमि के लिए कुछ किया, अच्छी बात है। पर मेरे हिसाब से अभी तक किसी सरकार ने फौज को कैसे चलाना उसकी पॉलिसी ठीक नहीं करी। वो उसका हमारा अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है, ये चाइना का प्रॉब्लम नहीं है। ना चाइना को ब्लेम करिए, ना पाकिस्तान को करिए, ना अमेरिका को करिए, ये हमारा अंदर का प्रॉब्लम है। हमारे अंदर फौज को किस तरीके से चलाना है इसका इनको गलत फहमियाँ बड़ी हैं, बड़े आपस में ही संघर्ष चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी और आर्मी में संघर्ष, आर्म फोर्स में संघर्ष चल रहा है। हर एक लड़ाई के बाद जहाँ पे आपको फौज को इनाम देना चाहिए उसकी पेंशन आदि कर दी, हर एक लड़ाई के बाद में फौजी दुखी है, ORUPS से दुखी है, ये सारा का सारा अलग चीज़ है इससे। पर फौज है वो जो है सबसे सब जो माँ का जो बेटा होता है, ये नहीं कि माँ ने उसको रोटी कम दी तो उसकी रक्षा नहीं करेगा, ये नहीं है, वो पूरा अपना खून बहा देगा। वो तो बात पक्की है कि जो फौजी है वो इसीलिए फौज में आता है कि उसको उसको उसके अंदर भी अभी मातृभूमि के लिए उसके लिए आग है दिल के दिल में। वो वही फैमिली के लड़के आते हैं, वही फैम वो फौज में जाते हैं, तो वो तो कमी नहीं आने देगा उसमें। पर कहने के दुख तो ये होता है कि अब टाइम आ गया है इस सरकार को पूरी की पूरी फौजी पॉलिसीज़ में, डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या चेंजेस आने हैं, किस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारा का सारा रीस्टडी करके वाइट पेपर लिखना पड़ेगा। ये ऐसे काम बातों से काम नहीं चलेगा। सर, सीमा विवाद की अगर हम बात करें, इंडिया चाइना की ही अगर हम बात करें, तो जिस ये लंबे समय से चल रहा है और गलवान के बाद और चीज़ें उभर कर आ गईं, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसी ऐसा कोई तरीका है जिससे ये सीमा विवाद जो है वो सुलझ सके? देखिए, सीमा विवाद सुलझाने का बेस्ट तरीका होता है कि जब सारी दोनों साइड की एक साथ मिलके अपने अपने पूरा इसको चिंतन करते हैं। पहले हम अंग्रेज़ों के अंडर थे, पहले बात जब अंग्रेज़ों से पहले जब सिखों का भी रहा था, उन्होंने भी तिब्बत उनके भी हाथ में आया था, उन्होंने भी कॉन्कर किया था, अफगानिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह ने कॉन्कर किया था। क्वेश्चन ये है, कोई पोलिटिकली हम कोहेसिव स्टेट नहीं थी इंडिया। इंडिया स्ट्रेटजिक जो कहते कल्चरली एक कंट्री थी, जो जिसको क्या जिसको कहते हैं ना कि रिलीजियसली कल्चरली हम एक थे, पर पॉलिटिकली एक नहीं थे। तो इसलिए हमारे को कभी कोई पॉलिसी बनी नहीं। हमने ये इसका सीमा का हमने कोई जिसको कहते हैं डिवीजन ठीक से नहीं करी, क्रिप्टोग्राफिक मैपिंग ठीक से नहीं हुई। मैकमोहन लाइन चाइना नहीं मानता, अंग्रेज़ों ने बना दी। चाइना ग्राफ पेंसिल जहाँ चल गई वो लाइन बन गई। वो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था एक पेंसिल चली थी, पहले वो ईस्ट वेस्ट चलाने वाले थे, वो नॉर्थ साउथ चला दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। हमें इतना आसान था। क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर जो है ठीक से किया नहीं जाता। जब तक हम दोनों साइड मिलके इसके ऊपर पूरा कार्यक्रम ना करें, इसके ऊपर पूरी ठीक से कार्य बैठे ना और बात ना करें, तब तक नहीं होगा ये काम। जो होगा इंडिया चाइना की बात है, कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे पूरा, अगर आपको पूरा सर्वे करना, स्टडी करना, दोनों साइड में जाना कौन सा क्या आगा, जब गलवान किस साइड में है, अक्साई चिन कब खाली करेंगे नहीं, तो उससे पहले आपको पॉलिटिकल डिबेट्स करनी पड़ेंगी कि आप अक्साई चिन कब खाली करेंगे। हमने कभी बोला ही नहीं, इस बार भी ये नहीं बोला। हमने को ये बोलना चाहिए था आप पहले 1 अप्रैल की पोजीशन से जो पहले जहाँ थे वहाँ आइए, तब हम बात शुरू करेंगे, और हमारी बातचीत में पहला एजेंडा होगा अक्साई चिन कब खाली कर रहे हैं। हमने कभी ऐसी बात करी नहीं। सीधे पर आप कहोगे ही नहीं तो दूसरा तो कहेगा तो यार ये तो हमारे कमजोरी के आँख में आप डाल के अगर आप बात ही नहीं कर सकते दुश्मन से तो बात क्या होगी। वो तो आपका हमारी खुशकिस्मती है कि 29-30 की रात को हमने वो हाइट्स ले ली हैं, और बाय द वे वो हाइट्स चाइना की नहीं ली, वो अपने ही हैं, हमारी जो ज़मीन पर कब्जा था वही हमने वापस ली है। तो क्वेश्चन ये है, हमारे को अब बहुत इसके अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, हमको एग्रेसिव पोस्चर दिखाना पड़ेगा। और हमारे को अगर हम पहले ही उस उन्हीं रात में हमला कर दिया होता जब वो घुस रहे थे वैली में, अप्रैल में जब आपको सैटेलाइट पिक्चर दिखाई जा रही थी, वो वैली जो थी 70 किलोमीटर की, आप उसमें पूरी की पूरी फोर्स को पकड़ के उड़ा देना था। अब क्या हेलीकॉप्टर थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, और आपकी एयरफोर्स इतनी तगड़ी थी वो धरी की धराई रह जाती। 62 में यही हुआ जब चाइना अंदर घुस रहा था, आपको कहा गया था आपके पास 6 स्क्वाड्रन हैं फाइटर के, 23
हंसी मारा, जोरहाट, छबुआ, हर जगह बैठे हैं। आपने उठा के फाइटर एयरक्राफ्ट उठा के दिल्ली ले आए, पंजाब में भेज दिए। क्यों? किसी ने डरा दिया प्राइम मिनिस्टर को, अरे चाइना अपने बॉम्बर भेजेगा, कलकत्ता, अलाहाबाद, लखनऊ, जगह जगह, दिल्ली, हर जगह बॉम्ब डाल देगा, आप बर्बाद हो जाओगे। चाइना के पास एक भी बॉम्बर नहीं था। चाइना के पास जो चार बॉम्बर थे उनमें भी रेंज तेजपुर तक की थी। अब आप बताइए, इंटेलिजेंस इतनी पुअर, किसी ने आपको धोखा दिया। और फिर रात को वही प्राइम मिनिस्टर अमेरिका को लेटर लिखना कैनेडी को कि हमें 12-104 के स्क्वाड्रन चाहिए। तो ये जो जब आपको खुद पे भरोसा नहीं, क्योंकि भरोसा तब होता है जब आपका नॉलेज होना चाहिए, आपका नॉलेज नहीं है। देखिए ये अंग्रेजों की बनाई हिस्ट्री की किताबों को कोट करके आप बड़े नॉलेजेबल नहीं बन जाते। आपको अपने कंट्री की कल्चर स्टडी करनी होगी, कंट्री को स्टडी करना होगा, आपको अपने देश का पता होना चाहिए। लोगों को कनिष्का का नहीं पता, समुद्र को तो स्कंदगुप्त का नहीं पता, और क्वीन विक्टोरिया के ग्रैंड सन्स का नाम जानते सब। क्वेश्चन ये, हमारे को प्रॉब्लम ये है। तो जब तक ये गुलामी का जो रंग नहीं उतारेंगे हम और भारतीय नहीं बनेंगे ना, तब तक ये क्वेश्चन आपके पूरे नहीं होंगे। पहले अपनी चीज़ों से रूबरू हो लें अच्छे से, फिर जाके दूसरों की चीज़ें देखें। सर एक सवाल और ये भी उठता है कि ट्रंप जो है वो हमेशा से मुखर रहे हैं चाइना को लेकर, तो ऐसे में अब जैसे जो बिडन आए हैं तो अब इनके आने से क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? और क्योंकि वो इंडिया के साइड ट्रंप का रहना जो झुकाव था वो था, क्योंकि वो चाइना के अगेंस्ट यूजुअली रहते थे, तो अब इनके आने से, नए प्रेसिडेंट के आने से क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए ऐसा है, ट्रंप को चाहे जो मर्जी कहिए, उसने बिना स्टेट क्वेश्चन उठाया चाइना के खिलाफत करी, अब बिल्कुल ठीक करी। चाइना जो कर रहा है वो ठीक है, आप खुद ही बताइए। जब चाइना नहीं कर रहा, किस कंट्री से लड़ाई नहीं है, किस कंट्री से जमीन का प्रॉब्लम नहीं है, रशिया को लेके, इंडिया को लेके, नेपाल को लेके, भूटान को लेके, सबको लेके उसको पा है, और वो पाकिस्तान से नहीं निकलेगा। क्वेश्चन ये है, हमारे को ट्रंप जी की जो पॉलिसी थी वो जो चाइना के खिलाफ जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। जो बिडन करते हैं, बाइडन करते हैं या नहीं करते, ये देखने वाली बात है। चाइना भी अपना जो कहते हैं क्रॉस या फिंगर्स करके बैठा हुआ है, वो भी चुप बैठा हुआ है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, वो भी देखने की कोशिश कर रहा है। ये दिन देखिए, हमारे को वो अगर आज अप्रैल में साउथ चाइना सी की से हमने स्टार्ट कर दी होती और घाटी में लड़ाई शुरू हो गई होती, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती। अब प्रॉब्लम पड़ गई, धरी धराई रह गई है। चाइना भी वेट कर रहा है और चाइना होप कर रहा है कि बाइडन अपना पॉलिसी चेंज कर दे, मेरे खिलाफ ना हो। तो इसीलिए जो है अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या होता है। बट अगर खिलाफत चाइना बाइडन दोस्त हो या ना हो, जिसको कहते हैं हॉइस्ट योर ओन पिटार्ड, कि आपको अपना जो अस्त्र कंधे पे उठा के चलना पड़ेगा, तो आपको तैयारी खुद करनी पड़ेगी, आप वेट नहीं करिए। हाँ, इसका बड़ा फ़ायदा था हमें, अगर लड़ाई हो जाती तो हमें बहुत फ़ायदा होता, लद्दाख ले में बड़ा फ़ायदा था हमारे को, उनके पूरे कुप्पट मिलते, सब कुछ होता। अभी देखने की बात है, ये भी हम कह नहीं सकते। बाइडन शायद क्रिटिसिज्म के कारण या उसके भी जागरूकता आ जाए, उसने भी देख लिया है कि चाइना क्या है। आप वो नहीं फायदा, अब देखो अपना कंपनीज का फ़ायदा उठाना अलग होता है, देश का फायदा अलग होता है। अभी देखना पड़ेगा, बाइडन के ऊपर टिप्पणी करना इस समय ठीक नहीं होगा, अभी ज़रूरत है कि हम देखें पहले। सर आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी, जो कि पाकिस्तान को लेकर मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे विवाद चलते रहते हैं, तनातनी बनी रहती है, इस पर इस वक्त जो फिलहाल जो माहौल चल रहा है, इस पर चाइना को भी अगर हम इसमें इन्वॉल्व कर लें तो क्या कुछ जो है वो आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? पाकिस्तान का और चाइना का इंडिया के बॉर्डर्स के साथ जो अभी तनातनी चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अभी जो चल रही थी वो पहले भी चल रही थी, सबको पता था। आपकी जो पॉलिसी ढंग की नहीं थी, देखिए ऐसा पॉलिसी में मैं बहुत बात करता हूँ, डॉक्टरिंग की करता हूँ, मैं सीधी बात बता दूँ। रैंड कॉरपोरेशन नाम की एक संस्था है, उसने एक लेटर लिखा था, एक नोट, बड़ा भारी आर्टिकल, और इंडिया में पब्लिश हुआ था कि भारत की कोई डॉक्ट्रिन थी नहीं, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ना एक्सटर्नल ना इंटरनल, भारत की सेनाएं बिना डॉक्ट्रिन के लड़ रही थी। डॉक्ट्रिन होती है वो पॉलिसी, वो क्या कहते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स पॉलिसीज होती हैं जिसके तहत आप लड़ाई करेंगे, दुश्मन को किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी की सारी चीज़ें उसे ही रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पैदा होते हैं, सब कुछ है। वो कुछ नहीं था, वो 97 में जल्दी जल्दी बनाई। तो अभी आपको कुछ है नहीं आपके पास में, तो अभी जो ये जो आप का जो सवाल है कि क्या हम अभी इनको फेस कर, यही सवाल है आपका, क्या कि हमको फेस कर करेंगे नहीं,
एट द मोमेंट हमको अपनी पॉलिसीज ठीक करनी पड़ेगी, सारी की सारी पॉलिसीज हमको ठीक करनी पड़ेगी, तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, मेंटली रेडी होना पड़ेगा, तब तक हम नहीं हो सकते। आपका सवाल जरा मेरे को रिपीट करिए। पर्याप्त फोर्सेस बॉर्डर्स पर हमारे पास हैं, अगर इंडिया और चाइना का, इंडिया और पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसको लेकर अगर कल को कुछ भी होता है, क्या हमारे पास पर्याप्त आर्म्स हैं, पर्याप्त फोर्सेस हैं? देखिए यही बात है, तो आपकी जब पॉलिसी ठीक नहीं थी तो आपने वो एग्जैक्टली वो कदम नहीं उठाए जी। अब इसलिए कदम नहीं उठाए, देखिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जब आप फौज की बात करते हैं तो उसके साजो सामान की बात करते हैं, वो आपके पास है नहीं। है नहीं का मतलब आप खरीद रहे हैं, वही चाइना 85% बना के बेच रहा है, जो आप खरीद रहे हो वो चाइना बेच रहा है। जो अभी बात करते हैं, जो चाइना ने तैनात किए हुए हैं अपने फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह, और बांग्लादेश में तैनात हुए हैं, उसमें क्या कौन से हाथ के नाम आते हैं, वही F-7 MiG-21, जो MiG-21 हमारा वो F-7 चाइना ने बना के बेचा हुआ है, JF-17, J-10, 11, ये सारे के सारे जो चाइना के जो जहाज़ हैं ये बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर जगह चल रहे हैं। तो ये उन्होंने बना के इतना सब कुछ फैलाया हुआ है, हम बाहर से खरीद रहे हैं, तो हम जो खरीदे हुए सामान को जब तक आप लड़ते रहोगे आपको फिर प्रॉब्लम यही आएगी कि टू फ्रंट वॉर की जब आप बात करते हो तो आप जिसको कहते हैं वॉक द टॉक, आप आजकल मीडिया में 2-3 साल से वॉक द टॉक बड़ा सीन निकला हुआ है, वॉक द टॉक करनी पड़ेगी कि जो आप कह रहे हो तो करके दिखाओ। तो वही बात है कि अब आपको करके दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मिलिट्री इंडस्ट्री सबसे पहले वो करनी पड़ेगी, जिसका कि अभी अमेठी में प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था राइफल फैक्ट्री का। देखिए बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल दिया मैंने, वो चीज़ आपकी होनी चाहिए, टैंक आपका आना चाहिए, जो आप लगातार टैंक तो आ जाएगा, ढांचा इंजन नहीं है, इंजन का मेटल नहीं है, टैंक का मेटल नहीं है, तोप का मेटल नहीं है, और आपने स्टील पावर प्लांट्स बनाए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, वो भी अभी तक नहीं है। क्वेश्चन ये है, हमारे को ये प्रॉब्लम जब तक आप दूर नहीं करेंगे, टोटल स्वावलंबिता, इंडस्ट्रियल इंडिजनाइजेशन, डिफेंस इंडिजनाइजेशन आपके नहीं कंप्लीट होगी, आप टू फ्रंट वॉर ढंग से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल सर, और जितना लेमैन की लैंग्वेज में आपने हमें समझाया ये पूरी चीज़ें, ये बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि दर्शक भी समझना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है और क्या कुछ ज़रूरतें हैं, जैसा आपने बताया कि पॉलिसीज़ में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो पूरी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, अच्छा हुआ आपने मुझे क्वेश्चन पूछे, अगर आप और कुछ पूछना चाहें मोस्ट वेलकम। जी सर, पैरा मिलिट्री फोर्सेस की अगर हम बात करें तो पैरा मिलिट्री फोर्सेस का पहले तो काम ही क्या है और ये पूरी क्या वर्क करती हैं? देखिए पैरा मिलिट्री फोर्स एक मिलिट्री, पैरा मिलिट्री इज नॉट कंप्लीट मिलिट्री, इसका मतलब ये होता है जी। हमारे पास ITBP है, BSF है, CRPF है और CISF है और SSF वगैरह है, पर क्वेश्चन मेन जो है बॉर्डर पे ITBP, BSF है, कई कई जगह पर CRPF भी है, SSF भी है, जैसे अभी SSF ने जो 29-30 की रात को जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया बहुत अच्छा है, ये अपने आप में बहुत शानदार फोर्स है। मैं तो इनको कहता हूँ कि दे आर द बेस्ट फोर्सेस, पर ये जो पॉलिसी हमने बनाई थी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में रखनी जाएगी, ये कुछ सोच के बनाई थी, ये सोच थी बड़ी पॉलिटिकल सोच थी जो एक लिमिटेड दायरे में आप काम आती है, कि किसी स्टेट की पुलिस पूरी नहीं पड़े तो ये बीच में जा सकती है, एक सेंटर के पास फोर्स होनी चाहिए, एक तो पहले ये थी, औरों को कई के एलिज्ड है, ख्याल ये भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू को किसी ने डरा दिया था कि फौज के पे को कंट्रोल रखिए, अगर फौज पे आपने कंट्रोल नहीं रखा तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, ये कहा जाता है, और इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स रखी है, जैसे रशिया ने रखी थी बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस कि अगर आर्मी बगावत करती है तो हम करें, ये सारी की सारी बातें ही हैं बातें, मैं ये नहीं कहता इनमें कोई सच्चाई है, पर क्वेश्चन ये है ये जबाने क्यों चलें, ये क्यों बात ऐसी हो, ये होनी नहीं चाहिए। सारी आपकी फौज है, मेरे हिसाब से पूरी की पूरी जो अब आपकी सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी मस्ट बी एक एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी अंडर वन गवर्नमेंट, अंडर वन ऑफ ए मिनिस्ट्री, एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में होनी चाहिए, और ऑफिसर कार्डर की ट्रेनिंग और मेन की ट्रेनिंग एक सी होनी चाहिए, इकट्ठी उनके रोल्स अलग होने चाहिए, उनको रोल्स अलग अलग बेशक कराओ पर इंटरचेंजेबल होना चाहिए, वेपन्स भी सब कुछ, ताकि
आपकी जब फोर्स को जब जरूरत पड़े तो सब रेडी हो जाएं। सबसे बड़ी जरूरत होती है दुश्मन से लड़ने की, ये नहीं कि कोई आप कोई कश्मीरियों को कोई पत्थरबाजी को रोकने जा रहे हैं, कोई नक्सल को रोकने जा रहे हैं, उसके लिए नहीं होता। बेसिकली ये है। और अब आपने ITBP लगाई हुई है चाइना के पर, चाइना में ITBP लगी हुई थी। अब इनमें कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? कोऑर्डिनेशन आर्मी को, ये सारी आर्मी के अंदर आ जानी चाहिए थी शुरू से ही। जब लड़ाई शुरू होने की बात हो रही थी अप्रैल से पहले ही, तो उसी टाइम होना चाहिए था, वो नहीं किया। वो अंदर आते रहे, वो होम मिनिस्ट्री के पास खबर जाती थी, होम मिनिस्ट्री से डिफेंस मिनिस्ट्री में आती थी। ये रिगमरोल जो है, आपने प्रोसीजर ऐसे फाइलें लगाई हुई थी और किसी को चेंज करने का समय नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कोई जान के करा, पर हमारा डेमोक्रेसी में ये होता है एक बार चीज़ हो गई उसको कर बदलने में भी 6 साल लग जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये हमारे को इसके सारे के सारे कार्य प्रणाली को बदलना पड़ेगा। कार्यप्रणाली तो ITBP और BSF ऐसी हैं, मैं एक को माउंटेन इन्फेंट्री बोलता हूँ और एक को लाइट इन्फेंट्री, सबसे शानदार फोर्सेज हैं। आज मेरे को, मैं अगर कमांडर हूँ और मुझे ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। सर बहुत गर्व की बात है, आप अगर इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हमारे पास इतनी परफेक्ट आर्मीज़ और ITBP तमाम फोर्सेज हैं। सर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट की इंटरनल पॉलिसी भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा विस्तार से समझाएं ताकि क्लियर हो लोगों के माइंड में भी कि क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हैं, क्या होनी चाहिए, क्या कहाँ कमियाँ भी छूट रही हैं। देखिए मैंने आपको कमी बता दी है, वो इसलिए है कि इसके ऊपर चिंतन ठीक नहीं करते। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो बनाई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप देखिए कैसे बैठाए हुए हैं लोग। आप वहाँ पे ब्यूरोक्रेट का क्या क्या रोल है? जॉइंट सेक्रेटरीज आपने ब्यूरोक्रेट बैठाए हुए हैं, क्या रीज़न है? मेरे को समझ नहीं आती। आप वहाँ पे फौजी बैठाइए जो आपको एडवाइस करेक्ट करेंगे। आपको वो कोई ब्यूरोक्रेट, ये अंग्रेज़ों का ज़माना कॉलोनियल था कि देखिए हमको कंट्रोल करना है। सिविल ओवर मिलिट्री का एक जो कंसेप्ट बनाया हुआ था, ये सिविल ओवर मिलिट्री का कंसेप्ट था। वो जब कर्जन और किचलू जो जो लाट जंगी लाट और उसमें 1910 में बहस हुई थी इन दो लाट्स में कि कौन सीनियर है, वो उस टाइम था कॉलोनी चलाने के लिए। ये कॉलोनी नहीं चल रही, ये देश आज़ाद हो गया है। जो फौज है वो अभिन्न अंग है गवर्नमेंट का, एक हाई एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है, कोई किसी के अंडर नहीं है। हमारे को सिविल और मिलिट्री का जो टर्म यूज़ होता है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, ये टर्म कि डेमोक्रेसी में सिविल का रूल ऊपर होना चाहिए। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओवर सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। गवर्नमेंट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से चलती है जो मिनिस्टर होता है, और जो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जैसे फौजी ब्यूरोक्रेट रेलवे वाले, ये सिलेक्शन से आते हैं, ये भी पार्ट ऑफ द पब्लिक होते हैं। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चलाता है गवर्नमेंट, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो सिलेक्शन में आते हैं वो उनकी गवर्नमेंट वो उन कार्यप्रणाली को अंजाम देते हैं। ये होना चाहिए, ये उनको मिटा देना चाहिए अपनी तख्ती से कि फौज अधीन होगी सिविल के। ये अंग्रेज़ों का ज़माना नहीं है, अब ये भारत आज़ाद हो गया है, फौज भी वही है। और आज आपका फौजी रेलवे में तैनात हो सकता है, वो फौजी और जगह तैनात होता हो सकता है, क्यों नहीं? आप जहाँ भी जाए, वो प्रेसिडेंट कहीं भी तो तैनात कर सकता है, मतलब काम नहीं करेगा? वो प्रोफेसर बन के जा सकता है JNU, क्यों नहीं कर सकता? तो ये जो है, ये जो माइंड सेट है, धारणा, मेंटल धारणा बदलनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। फिर हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, स्वावलंबी। हम आपकी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कुछ नहीं बना रही, मेरे को ले लो कोई नहीं बना रहा, एक भी फैक्ट्री में राइफल नहीं बन रही जो जवान प्राउडली फील इस्तेमाल करे। AK-47 छुपा छुपा के इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी राइफल छुपा देते हैं, क्यों? बाहर से खरीदनी पड़ रही है आपको, स्नाइपर राइफल्स खरीदनी पड़ रही हैं, ये टैंक्स, ये सारा। जब तक आप ये दो चीज़ नहीं करेंगे, अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे चलानी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करिए, ये दो चीज़ करिए, आप बहुत खुश हैं। पर इस सब को करने के लिए आपको कंट्री की नेशनल डिफेंस, नेशनल इंडस्ट्री तगड़ी होनी चाहिए। आपकी स्टील टैंक ग्रेड बने तभी बनेगी ना, वही नहीं है। आपको आपकी स्टील इंडस्ट्री तगड़ी होनी होगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की तगड़ी होनी चाहिए। और यही आपका साइंटिस्ट अमेरिका काम करता है तो सबसे वो टेक ओवर कर लेता है, वो CEO बन जाता है, यहाँ पे नहीं चल रही, ये कैसे हो सकता है? वही बंदा जो जा रहा है, वो मेरा बेटा अमेरिका गया, वो कंपनी टेक ओवर कर रहा है, हैं? और यहाँ पे छज्जू नाम भी नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम है। यानी कि पूरी तरीके से आपको अपनी पॉलिसीज
में तो चेंजेस लाने हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी लेके आने हैं, और साथ ही जो यहाँ के जो लोग हैं उनको उतना आपको सक्षम बनाना पड़ेगा आर्म फोर्सेस के साथ और तमाम चीज़ों के साथ, ताकि उनको सोचना ना पड़े अगर हमला हो या कुछ भी चीज़ ऐसी हो तो आपको सोचना ना पड़े गन निकालने से पहले या कुछ भी करने से पहले। डॉक्ट्रिन क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो ये काम होना चाहिए, चाहे आप घर भी छोड़ के जा रहे हो तो आपके जो पीछे रहने वाले बच्चे या कोई ये जो खानसामा बहरा जो है उनको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर प्रोसीजर होने चाहिए। इसके लिए पॉलिसी लिखी जाती है, डॉक्ट्रिन्स होती हैं, ये नहीं कि चाइना ने हमला कर दिया तो एयरफोर्स का इस्तेमाल करें ना करें। सब सबको टेलीफोन कर रहे थे 62 में, पूछ रहे थे, आर्मी वाला पूछ रहा है मेरे को एयरफोर्स क्यों नहीं दे रहे, एयरफोर्स वाला कह रहा है मैं जा सकता हूँ, कोई कह रहा है नहीं जा सकता, अब किसी को कुछ पता नहीं, नहीं जी प्रधानमंत्री नाराज हो जाएंगे इसलिए हम नहीं बोल रहे। ये जब ये अगर ऐसा माहौल रहा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप दुश्मन आपके सिर पे आके बैठ जाएगा और आप बोलते ही रह जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ विंग कमांडर और डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।